अस्सलाम वालेकुम, मैं इस खान, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल लज्जू कबूतरबाज में। आज मैं आप लोगों कबूतरों के पराम बनने के चार तरीके बताने वाला हूँ। पहला तो सुई धागे का है, सुई से जो परां सीते कबूतरों के वो बताने वाला हूँ। वैसे तो ये तरीका पहले यूज़ होता था, अब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। और सेकेंड वाला कैंची से जो परां कट करते उसका सही तरीका बताने वाला हूँ। थर्ड वाला तो टेप है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और एक फोर्थ वाला जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं यही यूज़ करता हूँ कांटों का, वही बताने वाला हूँ आज। ये कबूतर ले लिया मैं, इसके परां सीखे बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो जैसा नॉर्मल सुई में धागा डालते वैसा डाल लेना। उसके बाद में कबूतर के फर्स्ट पर में ये साइड पर सुई डालना। देख लो आप कहाँ जा रहा हूँ मैं, सही इधर पीछे साइड नहीं छुपाना। इधर गोश रहता कबूतर का, कबूतर को दर्द होता है इधर छुपाए तो। इधर साइड पर में छुपाना, उसके पर के आर पार कर लेके। थोड़े के हिसाब से इतने परां ले लेना, सात आठ परां ले लेंगे, उसे सा लपट देना। शायद में सुई को अलग कर लेना, सुई हटा देना यहाँ से। सुई हटा दे के उसके बाद में यहाँ पे घीटी मारना है। बन गया मैं कबूतर का पर, आप लोग एक पर बन के बताया, सिर्फ दो ही पर बन लेना आप लोग। उसके बाद अपने को जब परां खोलना था कबूतर के, तो यहाँ से खींच के नहीं खोलना, कबूतर के परां दर्द हो जाते अगर खींचे तो। यहाँ से तो खैंची से कट कर लेना इधर धागा। ऐसा नॉर्मली खोल लेना, इसके पर खींच के नहीं खोलना, ब्लेड या कैंची से कट करके खोल लेना। अब सेकंड तरीका बताता मैं आप लोगों परां कट करने का। वैसे तो परां कट करने सबको आता, लेकिन कुछ लोगों को देखा मैं जो पूरे परां कट करे थे लोग, पूरे परां नहीं कट करना भाई, और बहुत अंदर से परां कट करते थे वैसा भी कट नहीं करना। शुरू के तीन परां छोड़ देना, जो बड़े परां हैं तीन वो छोड़ देना। पूरे कट करे तो कबूतर बहुत ख़राब दिखता। और ज़्यादा अंदर से भी नहीं कट करना, थोड़ा ऊपर से ऐसा कट कर लेना। बस ये तीन परां छोड़ देना ऊपर के। थोड़ा सा ऊपर ऊपर रहने देना परों को, ज़्यादा अंदर नहीं जाना। भुजे ने अंदर से कट गए थे, बस अंदर से नहीं कट करना। अब मैं आप लोगों को थर्ड तरीका बताने वाला हूँ कबूतर या परां बनने का। वैसे तो टेप से हर कोई बनते, सबको आता टेप से बनना, लेकिन जो नए शौकीन आ रहे थे जिसको नहीं आता, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं ये।
पहले टेप में से थोड़ा टेप ले लेना। शायद कबूतर के सेम 8 या 10 पर ले लेंगे हाथ में, ये शर्ट बन देना। जिसको नहीं आता मैं लंगे लिए बता रहा हूँ भैया। सिर्फ बताने के लिए एक पर बना भाई, आप ना 2 पर ही बन लेना। मैं तो वैसे टेप यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जब टेप अपन खोलते जब कबूतर के परा ख़राब हो जाते और 1 या 2 पर निकल भी जाते टेप खोलने में, इसलिए मैं ज़्यादातर टेप यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ बताता हूँ आप लोगों को। अब ये एक लास्ट तरीक़ा है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो तरीक़ा ये कांटे से बना बनना। जैसा आप लोग स्टार्टिंग में बताया कबूतर के फर्स्ट पर में जो सुई डाले थे वैसा कांटा डालना है, और इधर साइड नहीं डालना भाई। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, इधर साइड गोश रहता कबूतर का, इधर से थोड़ा आगे साइड डालना। वैसे सेम 8-10 पर लेके कांटे को बन देना। कांटे से भी सिर्फ 1 ही पर बन के बताया मैं आप लोगों को, कांटे से भी सेम आप लोग 2 पर बन लो। वीडियो कैसी थी कमेंट्स में बोलीजिए, और किस टाइप के वीडियोस आप लोगों को देखना है वो ही बोलीजिए कमेंट्स में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।